फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज है निखिल का रिसेप्शन। सारा वीडियो आपने देखा, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज है निखिल का रिसेप्शन, और अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं। एक डेढ़ घंटा के बाद हम लोग रिसेप्शन में जाके ज्वाइन होंगे। तो अभी सारा तैयारी चल रहा है, सब कुछ तैयार हो रहा है, नेहा भी तैयार हो रही है। फैमिली, अभी आप देख सकते हैं, इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, सुनम जी, जो कि कोलकाता में हमारे फ्रेंड है, आई हुई है। तो बोली कि हम ही मेकअप कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो अभी मेकअप कर रही है। और इनका भी YouTube चैनल है, हम इनका चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके फॉलो जरूर कीजिएगा, और इनका भी ब्लॉग को जरूर देखिएगा। हो गया मेकअप मैंने, हाँ, लाइट मेकअप भी अच्छा लग रहा है, यही अच्छा है। BLCC में 5,000 रुपये उड़ा के आए थे, उससे अच्छा ही हो रहा है। और आराम से सो रही है यहाँ पे, अभी मामा के रिसेप्शन में जाने वाली है, बिल्कुल रिलैक्स होके सो रही है। ए फैमिली, तो अभी हम लोग रिसेप्शन के वेन्यू पे जाने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने हुए रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत सुंदर ब्लॉग है। तो हम लोग पहुंच गए हैं रिसेप्शन के वेन्यू पे, और ये एंट्री पॉइंट है, जो कि काफ़ी खूबसूरत सजा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और वो सबसे लास्ट में बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, जो कि बाद में दिखाएंगे आपको अच्छे से। और वो प्रिया अभी फोटोशूट करवा रही है, यहाँ की मौसी की बेटी, जो ब्लॉग में पहले भी हम लोग के बहुत सारे ब्लॉग में आ चुकी है, खासकर होली वाले ब्लॉग में भी है। और तो ये देखिए, यही है सेल्फी पॉइंट, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो पहले दूल्हे राजा और दुल्हन का फोटोशूट हो रहा है, उसके बाद हम लोग भी करवाएंगे। तो जैसा कि, और उसके बाद फोटोशूट करा के हम लोग एंटर कर गए हैं रिसेप्शन में। अभी तो कम लोग ही आए हुए हैं, और रिसेप्शन में भी म्यूजिक का प्रोग्राम है। और इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंडिया आइडल के सिंगर है। तो नेहा स्टेज पे चली गई थी, और लोग आना भी स्टार्ट कर चुके थे टाइम पे ही, हम ही लोग थोड़ा लेट हो गए थे, और प्रोग्राम भी चल रहा था। और डेकोरेशन तो काफ़ी सुंदर था, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा। और बहुत बड़ा कैंपस था, बहुत बड़ा, और सारा भीड़ अभी खाने की तरफ है, देख सकते हैं दूर दूर तक, सिर्फ उधर चारों तरफ खाने का स्टॉल लगा हुआ पूरा चारों तरफ। ग्यारह भी स्टेज पे थी और पूरा एंजॉय कर रही थी, और 11 को लग रहा था कि उसका फोटो क्लिक हो रहा है, तो वो पोज दे रही थी वहाँ पे। 11 तो बहुत ज्यादा एंजॉय की है, और परेशान भी हम लोग को बहुत ज्यादा की है। ऐसे बहुत दल तो फिर भी आएंगे, ऐसी पल सहा तो फिर नहीं होंगे, एक नजर मुड़ के देखने वालों, क्या ये हैरत फिर नहीं होगी, क्या ये हैरत, क्या ये हैरत फिर नहीं। गाना तो चलता रहेगा स्टेज पे, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं मेन रिसेप्शन का स्टेज, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। स्टेज पे बैठे हुए हैं सब, और ये दूर से आप देखिए, ये स्टेज पूरा फूल का वर्क है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब आँख से देखने पे तो बहुत, वीडियो में तो उतना क्लियरिटी नहीं आ रहा है, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। और पूरा का पूरा सेट जो है पंडाल का और रिसेप्शन का पूरा सेट बहुत खूबसूरत है।
ये सारा खाना का स्टॉल है। जब सब फोटो क्लिक करवा ही रहे थे तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी अपना फोटो क्लिक करवा लें, मतलब एक बार नहीं, हम लोग 50 बार जाके स्टेज पे फोटो क्लिक करवाए हैं। तो ये पहला बार का था, तो अभी पहले 11 फोटो क्लिक हो रहा था उनकी मामी के साथ, तो वही हम लोग अभी देख रहे थे। 11 कुछ कॉमेंट ही कर रही थे तो हम लोग हंस भी रहे थे। हाथ में लेज का पैकेट है, लेज खारी और क्लिक करवा दी, उसका कपड़ा हम लोग चेंज कर दिए थे, नया चेंज कर दी थी वहाँ पे, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थी कपड़े और उसको कोई भी नया कपड़ा पहनाने पे, खासकर सूट लहंगा उसको अंदर से चुभ रहा था, इसलिए कपड़ा हम लोग चेंज कर दिए। हमारे भाई की फैजी भाई की ये बड़ी मुख्तसर सी फरमाइश है हिंदी वीडियो में। ये दूल्हे के पापा दिवाकर चौधरी जी की फरमाइश है, हमें जैसे लगता है बिछड़े
और यहाँ पे हम लोग नेहा के मौसी मौसा और उनके फैमिली के साथ क्लिक करवा रहे थे।
फ्रेंड जो कोलकाता से फ्रेंड लोग आए थे तो हम लोग सब फोटो क्लिक करवा रहे थे। फाइनली रिसेप्शन एंडिंग हो रहा है और खाना खा लिए। गाइस रिसेप्शन खत्म हो गया, गिफ्ट यहाँ पड़ा है और थोड़ा वहाँ वाला गिफ्ट चला गया ना यहाँ और पूरा पंडाल खाली हो चुका है। अब फिर से अब हम लोग घर जाएंगे और बहुत मज़ा आया, बहुत सरस भालो ऑडियो था थोड़ा, तो मतलब ऑडियो के कारण हम लोग का वीडियो थोड़ा बर्बाद हुआ है, लेकिन कोई नहीं, बीच बीच में जहाँ होगा ऑडियो डाले हैं और बाकी वो हुआ है, म्यूजिक ही डाल दिए चाहे कॉपी राइट आ जाए। क्या रहा, एक चप्पल खो गया ओ सिट, क्या रहा, अब क्या करोगी, ऐसे ही चलो। क्या रहा तो चेंज भी कर ली थी कपड़ा अपना, चलो आओ गोदी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।